कॉजेज ऑफ ब्रेन ड्रेन, कॉजेज ऑफ ब्रेन ड्रेन इस वाले पार्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चैप्टर खत्म करते हैं। कॉजेज ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन के रीजन क्या है, ब्रेन ड्रेन के रीजन क्या है। तो ब्रेन ड्रेन में काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सर पहला हो सकता है आपकी मजबूरी, आपको जाना ही पड़े, हो सकता है आपकी मजबूरी आपको जाना ही पड़े, आपको जाना ही पड़े, ठीक है। मजबूरी क्या, आपको रिसर्च करने का बहुत मन करता है, आपको रिसर्च करने का बहुत मन करता है, लेकिन आपके कंट्री में रिसर्च करने की फैसिलिटीज ही नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको जॉब चाहिए, आपको कंट्री में जॉब ही नहीं मिल रही, कंट्री में जॉब ही नहीं है, तो जॉब के लिए आपको दूसरी कंट्री में फिर जाओगे आप जॉब के लिए, तो जरूरी है। तो यानी पहला रीजन तो ये कि आपको मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप जाओ। दूसरा हो सकता है कि आपको रिसर्च करनी है, आपके कंट्री में रिसर्च फैसिलिटीज है, पर दूसरी कंट्री में ना तो रिसर्च फैसिलिटीज में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एडवांस्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे किया, हो सकता है तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाओ और वहाँ पे चले जाओ। सर आपकी कंट्री में जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपकी कंट्री में जो आपको सैलरी मिल रही है वो कम मिल रही है, और बाहर आपको जो सैलरी मिल रही है बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप अट्रैक्ट हो गए उससे। दो चीज़ें होती है, एक तो आप कंपल्सरीली आपको जाना पड़े, एक आप अट्रैक्ट होकर आप दूसरी जगह पर जा रहे हो। तो कंपल्सरीली अगर आपको कंट्री छोड़कर जानी पड़े तो ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं पुश फैक्टर्स, और अगर आप अट्रैक्ट होकर या फिर अट्रैक्ट होकर बस ऐसे एक बेटर चांस के लिए, तो उसको बोलते हैं पुल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, पुल फैक्टर्स, है ना। क्या लिखा हुआ है, देर आर वेरियस कॉजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, काफी सारे कारण हो सकते हैं ना। मेन कॉज इंक्लूड, सब मेन कॉज क्या है, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढने जाना, और हायर पेइंग जॉब, सर अगर जॉब है तो हायर पेइंग के लिए जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सीख का बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप चाहते हो तो आप जा सकते हो बाहर, है ना। कॉजेस ऑफ ब्रेन ड्रेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अभी लिखा हुआ है पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर मतलब है जहाँ पे आपकी मजबूरी हो, जहाँ पे आपके मजबूरी हो। पुश फैक्टर्स फोर्स द इंडिविजुअल्स टू मूव वॉलंटरीली, एंड इन मेनी केसेस दे आर फोर्स बिकॉज द रिस्क समथिंग इफ दे स्टे। वो कह रहे हैं पुश फैक्टर्स ना क्या करते हैं, इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं टू मूव वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली मतलब कि अपनी इच्छा से, कि इंसान अपनी इच्छा से चला जाए, लेकिन मजबूर कर रहे हैं, मजबूर है। और कभी कभी क्या होता है, वो फोर्स करते हैं कि अगर वो यहाँ पर रुके तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, दे रिस्क समथिंग इफ दे स्टे, अगर वो यहाँ पर रुके तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, कन्फ्लिक्ट हुआ, ड्रॉट हुआ, ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप रुके तो आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया और आप वहीं पर रुके रहे, तो फिर रोज उसके साथ लड़ाइयाँ हुआ करेंगी, तो उससे बेटर है कि आप चले जाओ। तो बेटर ये है कि आप यहाँ से चले जाओ ना, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, पानी नहीं है आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में, तो क्या प्यासे रहोगे क्या वहाँ पर, नहीं, आपकी मजबूरी, आपको जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पुश फैक्टर। दीज आर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम कंट्रीज, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये नेगेटिव फीचर्स है बेसिकली, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसान को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव फीचर्स कह लो, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो होम कंट्री के, ठीक है। और आगे आगे के लाइन छोड़ देना। एग्जाम्पल समझ लो, सम अदर पुश फैक्टर्स आर, कुछ अदर एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट हो गया, फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, ये तो हमने पढ़ लिए, और आगे एब्सेंस ऑफ रिसर्च फैसिलिटी से भी समझाया था, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, आपको जॉब ही नहीं मिल रही, आपको जॉब देने के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आप क्रिश्चियन हो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप मुस्लिम हो आपको जॉब नहीं मिलेगी इंडिया में, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, फिर आप तो जगह छोड़कर जाओगे जाओगे, है ना। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, आपकी कंट्री अंडर डेवलपमेंट है, आपको आपको डेवलप्ड कंट्री में रहना है तो आप जा सकते हो। लैक ऑफ फ्रीडम, आपको फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने की, तो आप ऐसे कंट्री में जाना चाहोगे जहाँ पर फ्रीडम हो। पुअर वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब है, तो आप ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके पास जॉब ही नहीं, तो आप ऐसी कंट्री में जाना चाहोगे जहाँ पर आपको जॉब मिल पाए। डिस्क्रिमिनेटिंग कल्चर्स, आपके कल्चर के बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आप जो जो हरकत करते हो उस पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो परेशानी दिखाते ही दिखाता है, तो आप ऐसे किस्म क्या करोगे, आप अपने कल्चर वाली कंट्री में जाना चाहोगे। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, तो अभी आप बाहर जाना चाहोगे, ठीक है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स पुश फैक्टर्स के। पुल फैक्टर्स क्या, तो पुल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स इन द डेस्टिनेशन कंट्री दैट अट्रैक्ट द इंडिविजुअल, यानी ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं कि आओ हमारे कंट्री में आओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपकी कंट्री में लोग आ रहे होते हैं। दीज आर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम विच द
माइग्रेंट्स वुड लाइक टू बेनिफिट, जिससे माइग्रेंट्स को क्या होगा, बेनिफिट होगा, इनसे माइग्रेंट्स को बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, पता तभी तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, हाई पेइंग जॉब तो उसको हाई पे मिलेगा, बेटर लाइफ स्टाइल तो बेटर लाइफ स्टाइल उनको मिलेगी, तो ये क्या बेनिफिट होगा उनको। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पुल सेक्टर्स आर हायर पेइंग जॉब्स और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लिखा हुआ है सर, कुछ और फैक्टर्स के नाम बताओ। सुपीरियर इकोनॉमिक आउटलुक, आपको अच्छे इकोनॉमी में रहना है। प्रेस्टिजियस फॉरेन ट्रेनिंग, आपको फॉरेन की ट्रेनिंग करनी है, कि आपको फॉरेन में पढ़ना है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वहाँ पर, रिच कल्चर है वहाँ पर, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है रीजन्स आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दिस देयर मे बी अदर फैक्टर्स, इनके साथ साथ वहाँ पे और सुन सकते हैं, सम ऑफ दिस कैन बी स्पेसिफिक टू कंट्रीज और इवन टू इंडिविजुअल्स। कुछ बेनिफिट ऐसे हैं या तो स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी कंट्री के, फिर या तो बेनिफिट हो सकते हैं स्पेसिफिक टू किसी इंडिविजुअल के। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं एंड रिटायर, दे लुक फॉर प्लेसेस विद वार्म वेदर, तो लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ का वेदर कैसा हो, वार्म हो, पीसफुल हो, कम्फर्टेबल हो, लोकेशन है ना सच आइडियल प्लेसेस आर ऑल्सो पुल फैक्टर्स। तो वो कह रहे हैं ऐसी जगहें भी पुल फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये फैक्टर ये जो जगह है ये क्या कर रही है, इंसान को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन ड्रेन का। देखो वेलकम जो होम कंट्री होती है उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन ड्रेन का, और जो डेस्टिनेशन कंट्री होती है जहाँ पर लोग जाते हैं उनका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो एक का नुकसान, एक का लॉस है, एक का बेनिफिट है। ब्रेन ड्रेन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इन अदर वर्ड्स ब्रेन ड्रेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, वो कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन के एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं सर, एडवांटेज मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, डिसएडवांटेज मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, तो वो पहले कह रहा है पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओ जरा, पॉजिटिव इफेक्ट्स में बोले देर आर सर्टेन बेनिफिट्स दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द फेनोमेनन ऑफ ब्रेन ड्रेन, वो कह रहा है कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम ले सकते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन ड्रेन, फेनोमेनन मतलब एक्टिविटी है ना। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज दे लर्न न्यू स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, तो पहला जब इंसान लेस डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जाता है तो उनको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, या तो ये बेनिफिट है उनका। दिस नॉलेज दे कैन यूटिलाइज टू द एडवांटेज ऑफ होम कंट्री वंस दे रिटर्न, और इसका वो यूटिलाइज कर सकते हैं, सो जो नई चीज़ सीख रहे हैं ये वो यूज कर सकते हैं अपनी होम कंट्री के डेवलपमेंट में, जब वो वापस जाते हैं, जब वो वापस जाएंगे, कभी ना कभी वापस जाएंगे अगर वो टेम्प्रेरी टाइम के जाए हैं तो। दिस नॉलेज कैन बी यूटिलाइज है ना कंट्री वंस दे रिटर्न, कंट्री वंस दे रिटर्न जब वो लौटेंगे तो ये बेनिफिट है। द माइग्रेंट सेंड मनी टू देयर रिलेटिव्स लिविंग इन द होम कंट्री, ये तो ना पता फॉरेन करेंसी से रिजर्व हो जाती है, तो वो वाला पॉइंट है। दिस मनी कैन हेल्प स्टिमुलेट द इकॉनमी ऑफ द होम कंट्री, द मनी रेमिटेंस हेल्प इन रेड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन द होम कंट्री, और इससे क्या होता है वहाँ की पॉवर्टी भी थोड़ी खत्म हो जाती है, कि जहाँ पर कोई पैसा नहीं आता वहाँ पर बाहर से पैसा आ जाता है, तो जहाँ की पॉवर्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स है, ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना, पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर लेता है तो लिख लो एडवांटेजेस। और नेगेटिव इफेक्ट्स होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, द इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन इज लॉस्ट एज द हाईली एजुकेटेड पीपल लिव इन इंडिया एंड दे बिकम एसेट टू अदर कंट्रीज, हमने अपने यहाँ पे इनको पढ़ाया, हमने अपने यहाँ पे पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया कि यहाँ के लोग पढ़े और यहाँ पर डेवलपमेंट करवाए हमारे कंट्री का, लेकिन अब लोग यहाँ से पढ़ के दूसरी कंट्री में चले गए, तो हमारे तो यहाँ की पढ़ाई यूज़ की उन्होंने, और पढ़ाई यूज़ की तो रिटर्न में तो डेवलपमेंट करने से उसी कंट्री का करना चाहिए, लेकिन वो दूसरी कंट्री में चले गए, अब वो डेवलपमेंट जो करें वो किसी दूसरी कंट्री का कर रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है। देख लो लॉस है ये, जैसे जो इन्वेस्टमेंट जो हम पढ़ाई में करते हैं बच्चों की में वो लुक हो जाता है, वो उससे कोई रिटर्न ही नहीं मिलती। द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पीपल इन द इंडिया, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, उनकी शॉर्टेज हो जाती है सर। इन इंडिया लिखना जरूरी है, उन्होंने लिख दिया, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, होम कंट्री लिख देना, ठीक है। लॉस ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, सर फ्यूचर में आने वाले बिजनेसमैन कम हो जाते हैं, आंतर पेरेंट्स मतलब आप सिंपल समझ लो बिजनेस मैन, ठीक है।
इंडिया में तो है नहीं, तो इंडिया में तो बिजनेस कर ही नहीं सकते, वो इंडिया के बाहर है, तो अब ऐसे तो बाहर ही बिजनेस करेंगे, इंडिया में तो करेंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को लॉस हो गया। पोटेंशियल मतलब क्या, जो अभी नहीं है जो बाद में हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक है ना। लॉस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, लॉस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, फर्स्ट वाले पॉइंट से निकलता है। आपने उनकी पढ़ाई में इतना मतलब इनोवेशन डाला, इतना पैसा डाला, लेकिन अब कोई फायदा नहीं उसका, उसका कोई फायदा ही नहीं, तो वो लॉस हो गया। ठीक है, लॉस ऑफ क्रिटिकल हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज, वो लॉस की बात कर रहा है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाँ अब इंडस्ट्री में तो लोग ही नहीं रहेंगे, बिजनेस करने वाले लोग ही नहीं, बिजनेस वाले लोग नहीं तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, तो भी लिखा हुआ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चले गए, ग्रोथ कौन कराएगा। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रेन ड्रेन आउटवेट्स द बेनिफिट, वो कह रहा है कि जो कमियां हैं ना, ड्रॉबैक्स मतलब कमी है, ड्रॉबैक्स मतलब क्या, डिसएडवांटेजेस लिख लो, तो कह रहे हैं ड्रॉबैक्स जो है ना ब्रेन ड्रेन के, आउट हुए तो बेनिफिट, वो बेनिफिट्स को बाहर कर देते हैं, बेनिफिट्स को बाहर कर देते हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स ज्यादा है बेनिफिट्स कम है। गवर्नमेंट कैन मेक सर्टेन मूव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स दैट माइग्रेट एंड रिलोकेट टू अदर कंट्रीज, तो कह रहे हैं गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्टेप्स ऐसे ले सकती है, कुछ मूव ऐसे ले सकती है कि वो जो माइग्रेशन के जो नंबर ऑफ पीपल है ना, माइग्रेशन के जो नंबर ऑफ पीपल, एक एक पढ़े लिखे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते, तो अपने नंबरों को कम कर सके। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट सिटीजंस फील सेफ इन कंट्री, गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि वहाँ के रहने वाले लोग अपनी कंट्री में सेफ फील करें। इट्स टू टेक स्टेप्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, इनको अपनी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, अदर सॉल्यूशन इंक्लूड हायर वेजेस, अब उनको हायर वेजेस दो ना, कुछ जाते नहीं क्योंकि उनको अपनी कंट्री में लो वेजेस मिल रहे हैं, तो आप उनको यही वेजेस दो ताकि वो यहाँ से जाएंगे ना। ठीक है, बेटर हेल्थ दो, उनको यहाँ पर अच्छी हेल्थ सिस्टम मिलेगा, तो आप उनको अच्छे हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करना ताकि वो यहाँ से जाए ना। एजुकेशन फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, अब वो यहाँ से जा क्यों नहीं, उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिल नहीं रही, तो आप उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज दिलवाओ ताकि वो यहाँ से जाए ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं वो चेक करूँ, हो रही है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट हैज अप्रोच टू वेरियस वेल्यून एनआरआई, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन वो होते हैं जो एक टाइम पर तो इंडियन थे, एक टाइम पर तो इंडियन थे लेकिन इंडिया में रहते नहीं, इसलिए कहा गया नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडियन से पर इंडिया में रहते नहीं हैं, तो इनको उन्होंने अप्रोच किया है ना, एनआरआई मतलब साइंटिस्ट ने उनको अप्रोच किया टू प्लेस देम इन अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया, कहा कि आप फॉरेन से हमारे यहाँ पर आ जाइए, आप हमारे यहाँ पर आ जाइए, हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्लेस करना चाहते हैं। दिस इज सीन मेनी इज द फर्स्ट स्टेप टू एस्टेब्लिशिंग अ वेल ऑइल्ड सिस्टम कंट्रोल एंड परहैप्स रिवर्स टू ब्रेन ड्रेन, तो वो कह रहे हैं शायद ये एक पहला ऐसा देखा जाता है कि ये ना ये फर्स्ट स्टेप था कि गवर्नमेंट ने कुछ ट्राई किया, गवर्नमेंट ने ब्रेन ड्रेन को कम करने का, ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करने का, ब्रेन ड्रेन को कंट्रोल करने का पहला कोई स्टेप उठाया, ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। आपको ये भी हो गया, होमवर्क लिखो सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको ठीक से लिखवा दिए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश है ना, और आपको चैप्टर जाएगा वो तो मेरे को बता देना। ठीक है, ये भी आप करेंगे मतलब बता देना, सेंड कर देना। आपका लैंग्वेज हो गया, नॉन प्रोनाउंस हो गया आपका, केमिस्ट्री में आपके मैटर हो गया,
मैथ्स में परसेंटेज मेरे को चैप्टर भेजो, आपने भेजे नहीं भेजे मुझे ध्यान है, अगर नहीं भेजे तो भेज देना, परसेंटेज स्टार्ट करा दूंगा मैं। लिटरेचर हो गया, बायोलॉजी हो गया, अच्छा रिप्रोडक्शन रह गया, ठीक है ये करा दूंगा मैं। कंप्यूटर हो गया ये वाला चैप्टर, हिस्ट्री से बुक्स में, अच्छा ये ऑर्गन्स रह गया है, अच्छा ये चैप्टर दे रहे हैं आपको, चलो ये कराते हैं। आपका लैंग्वेज में रह गया है, मैथ्स में रह गया है, बायोलॉजी में रह गया है, फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री हो चुका आपका, ज्योग्राफी जो भी हो चुका आपका, जीके में 4 पेजेस आपने सेंड नहीं किए हैं अभी तक आपने, ये आपके पास 14 पेजेस हो चुके हैं। अभी 15 to 18 है वो आपके पेंडिंग है, अभी अब आपने मेरे को सेंड नहीं किया। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मेक श्योर कि आप लोग होमवर्क टाइम पर करते जा रहे हो, डिवाइस करते जा रहे हो।